हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह में क्या कर रही हो? अच्छे साढ़े बीस से रेवानी से मारे साबुदाना ने कोई दिया अपने ने बनाए पर पलू ने बहुत खाओ तो उन बने साबुदाना हम नहीं खाते हैं और फल को ज्यादा अच्छा लगता है तो कभी कभी बनाते हैं। तुमने देखा होगा कि इतने दिन में मेरे ब्लॉग बनाया हुए में कभी वेफर हमने बनाई नहीं है। तो अभी ये इतनी वाइट वाइट सी फ्राई हो रही है, काफी बढ़िया है और धीरे धीरे करके तपेला भर जाएगा। मैं तो यू तारा रड़ा तैयार करा तमें उतारा करता जा रण जना राम देव पीर मारी ओसरी आओ मारा जरण जना राम देव मैं तो दातण दाड़मी तैयार करा तमें दातण करता जा तैयार करी तमे नावण करता जावरणो जनारामदेव। वाह 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 सुपर। अभी तो मॉर्निंग में वेफर फ्राई करते करते भोजन की शुरुआत कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग के लिए। पल गया है स्कूल पे और काफी बारिश गिर रही है, रात को सब पानी पानी कर दिया, इतना पानी पानी कर दिया ना कि सब लोग बेहाल हो गए थे। क्योंकि जब हम देखो शुरुआत हो गई थी बारिश से पानी आना उड़ना छींटे आवाज और धूम धड़ाका की जबरदस्त नाइट को काफी आवाज सुनने को मिली थी। तो अभी बस आज अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने के बाद ना के दो के रेडी होके मिलता हूँ, लेट्स गो। तूफान का आना भी जरूरी होता है क्योंकि तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ जाता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं सभी को आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है और आषाढ़ी बीज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर मित्रों को। मैं गुड मॉर्निंग कहने से पहले रथ यात्रा की शुभेच्छा देता हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग का मैं भगवान श्री स्वामीनारायण का दर्शन कराने ले चलता हूँ। अभी तो ये डोडिया लेके पोछा मार रही है और मॉर्निंग में बज गया है 9:15 और मैं रोज की तरह भगवान के चरण में नतमस्तक वंदन करके भगवान को स्वामीनारायण के दर्शन कराते हुए पूरा दिन हमारा धन्य हो जाता है। जय श्री स्वामी नारायण, चरण वंदना करके मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराते हुए। श्री कृष्ण भगवान को भी नमस्कार करते हुए आज मैं ले चलता हूँ मम्मी को नमस्कार करने के लिए। मम्मी को नमस्कार करते ही मैं मेरे दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी देखा पोछा मार रही है, अभी हम लपट जाएंगे तो टाटियाँ बाटियाँ भागी जाए। तो अभी काफ़ी बारिश हुई है और मैं फटाफट आज लेट हो गया हूँ नाश्ता करके। मैं अभी एक बढ़िया सा खाना पूछने जा रहा हूँ। ये मेरी चाय निकल गई है। तो मॉर्निंग में मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है और मैं नाश्ता करने के बाद एक अच्छा सा उखाड़ा पूछूंगा, उसका राइट आंसर देना है तो फटाफट कमेंट में लिख देने का। तो दोस्तों अभी चाय पानी खत्म हो गया है, आज बीज आषाढ़ी बीज का उपवास है और नाश्ता खत्म करते ही मैं आ गया हूँ रोज की तरह अच्छा सा बढ़िया सा उखाड़ा पूछने के लिए। तो आज का मेरा जो उखाड़ा है
उसका राइट आंसर दे दीजिए और अच्छे से विचार का भी तुम कमेंट कर सकते हो। तो उखाणा है, भैंस रियाणी पाड़ो पेट मा, दूध दरबार मा जाए, चतुर हो तो संजी लियो, मूर्ख गोथा खाए। तो दोस्तों आ उखाणा नो राइट आंसर आपजो फटाफट। अने आ सीजन मा आपणे भर पेट खाधु छे आ वस्तु, अने फटाफट आनो राइट आंसर आपजो। अने बधा मारा व्यूअर्स ने हूँ जणावा मांगीश के सुविचार सारा होय अने कॉमेंट दिन प्रतिदिन वधती जाय। तो बधा लोकोना नाम लईश, तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। हेलो दोस्तों, तो अभी बज गया है पौना एक, होने आया है और घर पे अभी रेखा खाना लगा रही है। तो भाई आज बीज है, शादी बीज है और खाने का कुछ नहीं है, आज उपवास है। तो फुराल खाएंगे और रेखास किचन कैम से भूख लगी, भूख लगी जे। तो भाई उपवास रहे हैं और भूख भी लगी है, तो एक दिन तो थोड़ा चलाना पड़ेगा ना। नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो अभी फटाली चिवड़ा लेने पल गया है और मैं हाथ धो के बैठ जाता हूँ खाने के लिए। तो अभी ये टमाटर की कटकी क्यों कर रही हो? तेल करवानी। तो भाई फराली भेड़ बनावानी है हमने। तो भाई टमाटर की कटकी शाम को क्या है? हाँ जी, खीर पूरी। खीर पूरी करवे से, खीर करवे से बोलो दूध करना, जो भी तेरे मन में आया वो बनाने का। कटिंग हो गया है, पल तो अभी आता ही होगा। और ये कटिंग सब हो गया है बेस्ट और पल आ गया है और फराली तीखा और मीठा चिवड़ा लेके आ गया है राज का। तो भाई राज का फराली चिवड़ा तीखा और राज का फराली चिवड़ा मीठा। भाई ये तीखा तीखा मीठा है ना, दोनों भाई बहन है, तीखा मीठा दोनों भाई बहन है। जिसको तीखा लगे वो मीठा खाएगा, मीठा लगे वो तीखा खाएगा। तो अभी आज आषाढ़ी बीज के दिन हम दोनों उपवास रहे हैं और अभी रेखा पैकेट को तोड़ रही है। तो अभी ये पुराली चेवड़ा का भेल बना रही है। तो अभी ये नींबू डाल रही है चेवड़े के अंदर और नींबू पड़ जाएगा तो जाड़ा हो जाएगा, जब बी अंदर घुस जाएगा ना तो जाड़ा हो जाएगा। तो सबको लोटा पकड़ना पड़ेगा। लोटा क्या पकड़ना? तो अभी इसमें पूरा एक नींबू डालना पड़ेगा ना। तो फिर ये देखो भाई धीरे धीरे करके चेवड़ा बनने जा रहा है भेल के रूप में। तो अभी आगे क्या डालना, खट्टा हो जाएगा। A few minutes later. तो मैं अभी रथ यात्रा तुमको जबरदस्त सूरत की बताता हूँ, तो आप देख लीजिए जबरदस्त प्रोग्राम है। बारिश भी शुरू हो गई है।
तो बढ़िया सा रथ यात्रा निकल रही है और यहाँ बारिश भी जबरदस्त है। हाय मम्मी। हाय। अभी क्या बना रहे? आसे है। आज अषाढ़ी बीज से એટલે આપણે બપોરે ફરાળ કર્યા હતા અને અત્યારે પૂરી અને ખીર જો ખીર બની ગઈ છે। દૂધ આઈને ખીર આઈને એવું દૂધ સાથે અળદર મરચું ધાણા જીરું અને હવે અજમા અને પછી લીલા ધાણા અજમાન તોય નાખવાના મારેને પૂરી પૂરી છે ને વાયુ ન કરે। હવે ધાણા નાખવાના લીલા પૂરી ખીર અને મિક્સ કરી દેવાનું જો પછી લોટ બાંધી લેવાનો। હવે આ મિક્સ થઈ ગયો છે હવે આને પાણી નાખીને લોટ બાંધીને પછી પૂરી તળવા મળવાની। હવે લોટ તૈયાર હો ગયો છે। લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે હવે પૂરી બનાવશું। ગોળ પૂરી બનાવી છે કે સમોસા? ગોળ આજે ગોળ બનાવી ગમ બરાબર સમોસા પૂરી બનાવી છે મોટી મોટી ગોળ કરી નાખી। આ પૂરી તળાય માજી મને બોલે ઓકે પૂરી વણી રહી છે મમ્મી અત્યારે। काफी बारिश आ रही है और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। तो अभी बज गया है 7 और मैं आ गया हूँ घर पे। पलड़ता भाई आज तो काफी रथ यात्रा में भी काफी बारिश आई थी मजा बढ़ गई और काफी नजारा था वहां का बेस्ट। तो दोस्तों रथ यात्रा देख के काफी अच्छा लगा होगा। अभी 7 बजे मैं घर पे आ गया हूँ। अभी जा रहा हूँ रेखा के पास। रेखा कैसी हो? ये क्या है? खीर दूध। तो भाई ये खीर और दूध जो भी नाम आए ऐसा सबको बता दीजिएगा। और इधर बड़ा बड़ा पूरा बना रहा है। अभी इधर पूरी बन रही है। यहाँ तेल उबल रहा है ऑयल और ये तेल अभी है इसमें ऑयल है। और अभी रेखा पूरी को गोल गोल राउंड करेगी और देख लीजिएगा भाई पूरी ऐसे गोल गोल हो रही। वो भूख लगी सो आज धरावीन खा और जमा वेसे जाओ। ओके बाबू। तो भाई मॉर्निंग में वेफर्स थे, दोपहर को फराड़ी चिवड़ा था और शाम को पूरी और खीर बनाई है मीठी मीठी। तो कुछ शाम को हमारा पेट भर सकता है। तो अभी मैं बारिश में नहा के आ गया हूँ। तो अभी मैं थोड़ा आधा भीगा हुआ हूँ और पीछे से एकदम कोरा है कोरा। तो अभी मैं
जा रहा हूँ नाने के लिए, बाद में रेखा तब तक पूरी बना लेती है, मिलते हैं नाने के। ओ कच्चा पूरा खाएंगे, कच्चा थोड़ी खाएंगे, नोट न पिंटो काचो खौड़े देश आया हलवाई जा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाने के लिए, नाने के बाद मिलते हैं, लेट्स गो। और हम पूरी खाएंगे साथ में, खीर और दूध पियेंगे, तो कितना बड़ा मजा आएगा। तो हम खाएंगे पियेंगे और मौज करेंगे। तो मैं बाबा हिंदी चालू कर दिया है, तो हमें पूरा हिंदी आता नहीं है, तो आधा गुजराती और आधा हिंदी बोलते हैं। हम सच बोलते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आता, हमें हिंदी पूरा नहीं आता, तो हम गुजराती ही बोलेंगे। पर क्या क्या तमने बताए मजा आए मित्रों, એટલે બાવા હિન્દી ચાલુ થઈ જાય। તો હવે હું પૂરી તળવા જઈ રહી છું। તો જો મિત્રો અમારી પૂરી ફ્રાય હો રહી હે, એ દેખો એક ગઈ, એ દૂસરી વાલી ગઈ, ઓર તીસરી વાલી ગઈ, ઓર તીની હાલી ગઈ। પૂરી તળાઈ જાય એટલે ભગવાનને થાળ ધરી। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ रोज की तरह डिनर के लिए। आज उपवास था और बनाया है पूरी और खीर, तो मौज पड़ जाएगी भाई, लेट्स गो, जाते हैं खाने के लिए। रेडी हो गया है सब, तो अभी हम पूरा फैमिली आज साथ में बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी आया हूँ घर पे। और ये मीठा दूध है, तो दोस्तों खाना पीना खत्म हो गया है और काफी मजा आ गया है। तो मेरा जो खाना था उसका राइट आंसर दिया है, वो सभी मेरे व्यूअर्स का नाम मैं लेता हूँ। तो दोस्तों राइट आंसर अपना छे हमारा व्यूअर्स राहुल भाई प्रजापति, आरती मणियार, सागर पारेख, मुर्जा भार्गव, पाल, राजू जाविया, अने घना बदा लोगों राइट आंसर आपेलो छे। अने आजना जे बेस्ट कॉमेंटर छे तो રાહુલ ભાઈ પ્રજાપતિ, તેઓએ ખૂબ સરસ લખ્યું છે, તો હું જલ્દી ફટાફટ તમને વાંચીને સંભળાવીશ। ઘર એક મંદિર છે, પણ ઘરનો મોભી ઉમરો છે, એની રોજ પૂજા કરવી, અને તમે ઘરની બહાર જાઓ ત્યારે ઉમરો ઓળગો, એટલે તમે બહાર શું કામ કર્યું એની પ્રતિથી તમને જ થાય છે કે તમે કેવું કાર્ય કર્યું, ખોટું કર્યું, સારું કર્યું। અને ઉમરા વિશેનું હું નીચે મૂકું છું, તમે વાંચી લેજો, ખૂબ જ સરસ રાહુલભાઈ લખેલું છે। તો હવે પછીના અમારા નવા કોમેન્ટર છે VM રાવલ, શ્રદ્ધા તારે છે અને શંકા ડુબાડે છે, વેરી નાઇસ। હવે આપણા જૂનાને જાણીતા ધર્મસિંહ પટેલે પણ ખૂબ સરસ લખ્યું છે, ટીકા કરો તો વ્યક્તિ તૂટી જાય છે, પરંતુ ટેકો કરો તો વ્યક્તિ ટકી જાય। ઘણા બધા પોતાના સમાજની અંદર ઘણા એવા ઘર હોય છે કે જે તૂટીને ભાંગી જાય છે, તો એને દોસ્તો ઊભો કરવાનો હોય, એને મદદરૂપ થઈને એને આગળ લઈ જાઓ, જેથી કરીને પોતાનું કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરી અને તે પોતે એક સાચા માર્ગે દોરાય। નકર માણસ આ દુનિયાની અંદર એકલો પડી જાય છે, તો હું કે તમે કોઈ પણ હોય, માણસ જ્યારે ભાંગી જાય છે ત્યારે ખરાબ ખોટા રસ્તે જવાનું જ વિચારે છે, એટલે દોસ્તો એને હંમેશા આપણા કુટુંબની અંદર કોઈ પણ નાનું ઘર હોય તો એને હેલ્પ કરજો, મદદ કરજો, ખૂબ નાઇસ। અને હવે છે રાજુ જાવિયા, તેમનો પણ સુવિચાર એવો છે કે તકરાર એ છાશ જેવી છે, જેટલું વધુ રહે તેટલી વધુ ખાટી થતી જાય છે। સાચી વાત છે રાજુભાઈ તમારી, કે તકરાર જેટલી કરો એટલી ખાટી થતી જાય, એની કરતાં પ્રેમથી વાત કરી અને માન સન્માનથી બોલાવશો તો સંબંધ છે ઘણા બધા સુધરી જાય છે, અને જતું કરવાની ભાવના રાખવી પડે। તો દોસ્તો કાફી હો ગયા, કાફી મોજ આ ગઈ, બસ આજ મેરા વ્લોગ મેં અહીં ખતમ કરતા હું, મિલેંગે કલ ન્યૂ વ્લોગ કે સાથ, તબ તક મેરે ચેનલ પર બને રહેજે। જય શ્રી કૃષ્ણ સીતારામ, બાય બાય, આવજો।